कम बैक टू माई चैनल आंचल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, साथ में चैनल को खुद से सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुड वाइब्स का ये हेड्रा ग्लो बीबी क्रीम SPF 25। मैं थोड़ा करीब से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है गुड वाइब्स का हेड्रा ग्लो बीबी क्रीम, जो काफ़ी अच्छा बीबी क्रीम है। इसको यूज़ करने के बाद आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट आप इसको फाउंडेशन की जगह चूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। और मैंने भी इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब मेकअप का एक अलग लुक मिला, मतलब बहुत अच्छा लुक मिला मुझे इसको ट्राई करने के बाद। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसकी मैं प्राइस की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था और ये ऑनलाइन मेरे को 349 में पड़ा था। इसका प्राइस भी यहाँ पे 349 ही लिखा है, ठीक है। और इसकी नेट वेट की बात करूं, नेट क्वांटिटी इसकी बात करूं तो ये 30 ग्राम है और काफ़ी अच्छे बीबी क्रीम है। मैंने इसको आई थिंक मेरे को 2-3 महीने हो गए इसको ट्राई करते हुए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और अब मैं आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर में है और काफ़ी अच्छा है। और अंदर से भी इसका जो ये मतलब ब्लैक, ये कुछ इस तरीके से है जैसे फाउंडेशन होता है ना, उसी तरीके का है ये। और मुझे अच्छा लगा ये कि मतलब जैसे आप हाइलाइटर वगैरह लगाते हो, उसके बाद आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हो, तो आप हाइलाइटर कंसीलर मतलब जो भी आप लगाते हो, उसके बाद आप फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम भी चूज़ कर सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाइलाइटर वगैरह नहीं लगा रहे हो, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट अप्लाई अपने फेस पे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम जो वो आप लोगों को लगा लेनी है, उसके बाद ही आप लोगों को जो ये बीबी क्रीम लगानी है। इससे आपका जो फेस है वो काफ़ी अच्छा ग्लो करेगा, एक नेचुरल लुक देगा आपको। तो ये देखिए, इसका जो टेक्सचर है ये देखिए, लाइक कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे से ये लग गया है ना। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो और आपको ये किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को ना इसको एक बार अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। लेकिन जब भी आप इसको ट्राई करो तो उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद सीरम लगा लो या मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लो। अगर आप हाइलाइटर लगाना चाहते हो तो वो हाइलाइटर भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको चूज़ करना है कि आपको हाइलाइटर लगाना है या नहीं लगाना है। बट मैं हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाऊंगी, ओनली मॉइस्चराइजर क्रीम लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। और आप चाहो तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी टचअप दे सकते हो, इससे मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको लगा सकते हो, अपनी फिंगर से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट मैं अपने हाथों से ही, मतलब अपनी फिंगर से ही इसको लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो ख़राब हो चुका है, तो जिसकी वजह से मुझे अब हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी उंगलियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपनी फिंगर से भी आप लगा सकते हो, फिंगर से भी बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा मतलब नेचुरल लुक देता है। तो ऐसे नहीं है कि फिंगर से अच्छा लुक नहीं देते, फिंगर से भी ये बहुत अच्छा लुक देता है। तो पहले तो मैं लगाऊंगी अपने फेस पे मॉइस्चराइजर क्रीम। मैं लगाऊंगी पहले ये जॉय की मॉइस्चराइजर क्रीम, क्योंकि चेहरा मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप हाइलाइटर भी लगा सकते हो इसकी जगह, बट मैं हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाऊँगी। ना ही मैंने सिरम वगैरह लगाया, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वो आपको चूज़ करना है। लाइक कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है फेस पे क्रीम वगैरह। देखिए मैंने क्रीम जो वो अच्छे से अप्लाई कर ली है अपने फेस पे, अब मैं लगाऊंगी ये बीबी क्रीम। आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी लेनी है, जितनी आपको ज़रूरत हो उसी के हिसाब से। अगर वो कम पड़ती है तो आप फेस से ले सकते हो। तो आपको कुछ इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करनी है। इसको अपने नेक पे, जब भी आप मेकअप करो तो आप इसको अपनी पूरी नेक में भी लगाओ। बट अभी फिलहाल मैं अपने नेक पे नहीं लगाऊंगी,
तरीके से आपको लगानी है, मतलब आपको इस तरीके से लगाना है कि किसी भी तरह का कोई मतलब निशान ना रहे इस चीज़ का, कि मेकअप आपका बिल्कुल गंदा सा लगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से ऑब्जर्व होनी चाहिए आपके फेस पे। अपनी आँखों में भी आपको, आँखों के आसपास भी आपको अच्छे से लगाना है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से लगा लिया है ये, और ये अच्छे से मेरे फेस पे लग गया है। इसके बाद आप कंसीलर वगैरह या हाइलाइटर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है मेकअप वो आप ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि मैं हाइलाइटर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। फिर भी मेरा ये जो मेकअप लुक है एक अच्छा मेकअप लुक आया है, और किसी भी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी तरह की इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ हो रहा हो, ये अच्छे से मेरे फेस पे अच्छे से जो वो लग गया, अच्छे से सेट हो गया है मेरे फेस से। सिर्फ मेरे हाथों से ही मैंने लगाया और ये अच्छे से लग गया हाथों से भी, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये जो बीबी क्रीम है गुड वाइब्स का, ये अच्छा लगेगा, और गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं देते हैं हमें, और इसमें SPF 25 भी है, तो इसमें मतलब सन प्रोटेक्शन भी देता है हमें, और काफ़ी अच्छा है, हाइड्रा ग्लो भी देता है, ग्लोइंग स्किन देता है हमें, ग्लो आता है हमारे फेस पे एक अच्छा सा। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा। फाउंडेशन की जगह इसको ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो फाउंडेशन को ट्राई मत करिए, आप इसको ही ट्राई करिए। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।